बहुत मजा का चीज है एक सुपरस्टार होना, लाखों पैसा, करोड़ों फैंस, देश दुनिया में नाम। लेकिन आज जो हम आपको पवन सिंह का रियलिटी दिखाने जा रहे हैं वो देखिएगा तो आपका दिल पसीज जाएगा, आंखें नम हो जाएगी कि बाप रे एक इंसान इतना ज्यादा कैसे झेल सकता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह को किस तरीके से नहीं मेंटली डिप्रेशन में डालने की कोशिश की जाती है, और आजकल तो ये चीजें जरा ज्यादा ही हो गई है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, आज से पहले जब खेसारी लाल यादव से दोस्ती नहीं हुआ था पवन सिंह का, तो वो किस तरीके से भाषा का प्रयोग करते थे कि एकदम कोई इंसान अगर सामने सामने सुन लेना तो लाठा लाठी वाला मारपीट हो जाए, औसा खेसारी लाल यादव बोलते थे। खैर अब तो दोस्ती हो गया तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी वो चल रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। और ज़रा सोचिए कि किसी की पत्नी जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसका न्याय कोर्ट करेगा, फैसला कोर्ट से आएगा, लेकिन इंटरनेट पे उसकी पत्नी उसके इज्जत का धज्जिया उड़ा देती है। धज्जिया उड़ाने के साथ साथ इंटरनेट पे भी कुछ ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर न्यूज वाले आते हैं जो इस तरीके से पवन सिंह की छवि को पोर्ट्रे करते हैं कि वो आदमी एकदम पागल हो जाए, मतलब अंदर अंदर उसके लाखों करोड़ों सवाल उफान मार रहे हैं, लेकिन अगर वो बोलने का प्रयास करेगा, अगर आके बोल देता है तो लोग कहेंगे कि बताइए कैसा इंसान है अपने पत्नी के बारे में आगे इंटरनेट पे बोल रहा है, और अगर इंसान चुप रहता है तो लोग कहेंगे कि बताइए कितना बड़ा खराब इंसान है कि सब किया है तब ना चुप है। और इस तरीके से उनकी पत्नी का इल्जाम इस तरीके से वो इंसान बर्दाश्त करता है। इतना ही नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए और वो इंसान की पास्ट सामने आती है और बताती है कि पवन सिंह किस तरीके से उसके साथ करते थे, किस तरीके से उसको परेशान किया जाता था, किस तरीके से मेंटली तबाह कर दिया जाता था, और इस चीज से उनकी छवि और ज़्यादा खराब करने की कोशिश की जाती है। और एक्चुअल में पवन सिंह के कुछ फैन को छोड़ दिया जाए तो उनकी छवि खराब हो भी रही है। इतना ही नहीं, उस इंसान को चुनाव लड़ना है, वो चाहता है कि हम चुनाव लड़े, और उस चीज पे मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका टारगेट नहीं हो कि ना पवन सिंह को तो चुनाव नहीं लड़ने देंगे, टिकटें नहीं मिलने देंगे, चाहे वो देसवा न्यूज हो, चाहे वो ज्योति सिंह हो, चाहे वो दिस हो, डैट हो, कोई हो, उस इंसान को सबसे ज्यादा रोकना अगर कोई चाहता है तो वो चुनाव से रोकना चाहता है। इसके बाद आगे बढ़िए, वो इंसान बॉलीवुड के हीरोइन को लेके आता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि भोजपुरी के पावर जब बॉलीवुड को पता चलेगा तो बॉलीवुड की हीरोइन को भोजपुरी में रुझान होगा, भोजपुरी के और कलाकारों के साथ वो लोग काम करने का सोचेंगी, और भोजपुरी में हिंदी की हीरोइन आएगी तो भोजपुरी का कद और ज़्यादा बढ़ेगा। और आपने देखा होगा सनी लियोन पवन सिंह का गाना आज 5 दिन से लगातार ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, किसी से ये बात छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बाप रे बाप, मतलब किस तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है, अगर ये चीज़ें वो सुपरस्टार तक पहुंच जाए तो भला वो लोग फेसबुक स्क्रॉल करके नहीं देखते हैं, नहीं तो अगर उन लोगों को पता चल जाए कि उनके बारे में इस तरीके से बात की जा रही है तो घिन आएगा किसी सुपरस्टार को, घिन आएगा किसी हीरोइन को भोजपुरी में काम करने से। बताइए एगो हैं सो कॉल्ड कॉमेडियन जिनका कॉमेडी से सुपड़ा साफ हो चुका है, वो कहते हैं बताइए सनी लियोन उस हाथ से केक खिला रही है जिस हाथ से शर्म आता है इस इंसान को, मतलब इस हिसाब से तो सनी लियोनी को कुछ नहीं करना चाहिए, उसको जीवन को त्याग देना चाहिए इस फिलॉसफी से, मतलब अगर कुछ आता है तो अप्रिसिएट करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी उस इंसान को मेंटली हैरेस कर देना है। मतलब एक सुपरस्टार अपने जीवन में कितना कुछ सहता है, कितना कुछ करता है, ये देख के आज ये सोच के मतलब हम सोच रहे हैं कि बताइए कोई इंसान क्या बड़ा सपना देखेगा, क्या बड़ा सपना लेके आएगा, सबका हालत तो वही है, मतलब फ्रस्ट्रेट परेशान, ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अगर वो कुछ कर दिए तो बाप रे पवन सिंह हैसे कर दिए, कुछ बोल दिए तो बताइए पवन सिंह को बोलने का जरूरत पड़ गया, अगर वो कुछ नहीं बोले गलती है तब ना बेचारा सुन रहा है। और इस तरीके के धर्म संकट में अगर कोई इंसान पर जाए ना, कितना बड़ा भी मर्द हो ना, कितना बड़ा भी मर्द मतलब एकदम कहते हैं ना सो कॉल्ड अल्फा मेल हो, वो भी मतलब क्या करे, आगे गीला और पीछे पीला हो जाएगा इस तरीके का सिचुएशन हो तो। खैर ये सब चीज़ देख के हमको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ और हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि हो गया, सनी लियोनी आई चली गई, बंद कीजिए आप लोग प्लीज़, बढ़ा लिया जो सुपरस्टार को मान बढ़ाना था, पागल था वो इंसान की 3 करोड़ रुपया सनी लियोनी को दिया, जो दुनिया पूरा उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और वो आपको एंटरटेन करने के लिए एक पैर पे नाच रहा है,
500 आदमी को पीछे नचा रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको नॉर्मल सा बर्थडे मनाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बात खत्म। बाकी फिर से समियाना टांग के गाना बजाना चाहिए, आप लोग उसी में खुश हो जाते। खैर ये सब चीज़ देखते हैं तो सही में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है और लगता है कि नहीं यार सुपरस्टार बनना बहुत 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 मुश्किल का चीज़ है और पवन सिंह जैसा सुपरस्टार बनना तो सही में बहुत जटिल है। खैर इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।